हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ, बेसन के लड्डू की रेसिपी। इन लॉकडाउन के समय हमें मीठा खाने का मन करे तो इसे झटपट बनाए। तो हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है, कोई भी आप एक कटोरी माप ले सकते हैं। उस माप से हम एक कटोरी बेसन लेंगे, उसका आधा कटोरी हम घी लेंगे और घी को हम कढ़ाई में गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें बेसन डालते जाएंगे और बेसन को हम लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से हम बेसन को कंटिन्यूशन में चलाते रहेंगे, क्योंकि बेसन को चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे से लग जाता है और फिर हमें ये जले जले की महक आने लगेगी। अब हम जब अच्छे से बेसन भुन जाएगा तो ये काफ़ी घी खुद ही छोड़ने लगेगा, मतलब तब हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है, जिससे कि हमारे लड्डुओं का कलर काफ़ी अच्छा पीला पीला है। और थोड़े से मैंने इसमें पानी के छींटे मारे हैं। छींटे मारने से क्या होता है कि ये लड्डू बहुत ही रवीले बनते हैं और अच्छे बनते हैं, तो हमें इसे थोड़ा सा ही छींटे मारना है, बहुत ज़्यादा नहीं मारना है। और इसको चलाते रहना है, लगभग इसको 5-10 मिनट तक और चलाते रहेंगे, जिससे कि अच्छे से भुन जाए। और अच्छे से, क्योंकि हमने इसमें थोड़े से पानी के छींटे मारे हैं ना, इसलिए हम इसे थोड़ा सा और भूंजेंगे। इस तरह से हम इसको कंटिन्यूशन में भूंजते रहेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने जिस कटोरी से बेसन लिया उसी कटोरी से हम माप से हम शक्कर लेंगे, एक पिसी हुई शक्कर लेंगे। एक कटोरी शक्कर हम इसमें पूरी तरह अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये थोड़ा सख्त हो जाएगा इस तरह से। इसमें मैंने थोड़ा सा मगज़ के बीज डाले, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इस बीज का स्वाद बहुत अच्छा आता है, आप चाहे तो काजू बादाम, आपको जो मर्जी है ड्राई फ्रूट्स आप सारे डाल सकते हैं। मैंने जैसे मार्केट में मिलता है उस तरीके का बनाया है, इसलिए सिर्फ मैंने इसमें बीज ही डाले हैं। अब इसको फिर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। क्या होता है कि ये जब ठंडा और ठंडा हो जाएगा ना, तब ये थोड़ा सख्त हो जाएगा, जैसे कि हमारे लड्डू अच्छे सख्त बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट बाद फिर से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इतना छोटा छोटा सा लेके इसको हम अच्छे से बांधते जाएंगे। इस तरह से हाथ की सहायता से इसको गोल गोल करेंगे, आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। एक एक करके हम सारे लड्डू बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे बने हैं ना, डिलीशियस। एक बार आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।